तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण नोएडा इंडिया से। लोगों का भी बतेरा कमेंट आ गया कि आप सर्विस कैसे करते हैं, उसका वीडियो नहीं बनाया। तो सोचा इसी गाड़ी पे क्यों ना हम वीडियो बना ले, मैं सर्विसिंग का श्रीगण साय कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यही है होंडा सिटी डीजल इंजन 2014 मॉडल। तभी सर्विस इसका करेंगे, सर्विस का टोटल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ना ये ऑयल फ्लश मैं यूज करूँगा, ऑयल फ्लश डाल के इसे कम से कम 3-4 मिनट करीब मैं स्टार्ट रख के अब फिर ड्रेन करता हूँ। उसके बाद से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ क्या क्या होना चाहिए। अभी सारा वो प्रोसेस पूरा हो गया खोलने का, सब कुछ खोल बखेरा, जो जो चीज़ें खराब थी सारा खोल दिया। अभी स्टेप बाय स्टेप फिट करते जाना है। तो आइए फिटिंग का ही दिखाते हैं, और ये वीडियो का पर्पज़ भी फिटिंग का ही है कि क्या क्या सर्विस में चेंज होता है, तो कम्प्लीटली उस चीज़ को देखेंगे। तो पहले इंजन ऑयल से ही शुरू करते हैं। अभी मैंने चैम्बर नट टाइट कर दिया, और नीचे से ही टाइट होता है तो सबको ही मालूम है। इसमें कैस्ट्रोल मैग्नेटिक डाल रहे हैं डीजल, ये 15W40 है, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक डीजल है, देख सकते हैं। तो यही मैं यूज कर रहा हूँ, और ये वही वाला गाड़ी है जिसका मैंने इंजेक्टर का दिखाया था, इंजेक्टर की ब्लैक स्मोक प्रॉब्लम थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, वो वीडियो है। तीसरा सर्विस कर रहा हूँ, मीटर भी अभी चेक दिखवाता हूँ आपको। अब ऑयल डालने से पहले कभी भी पूछ लो चैम्बर नट टाइट है कि नहीं, कभी ऐसा हो तसला भर दो नीचे वाला भी कभी ऐसा हो कि और इसमें तो ऑयल डाल दिए हमने, और एक और होंडा का सर्विस कर रहे हैं सेम टू सेम। इसमें भी मैग्नेटिक ही यूज कर रहा हूँ, देखो इसमें भी यही ऑयल यूज हो रहा है, जो ऑयल उसमें मैंने यूज किए हैं तो वही ऑयल यूज हो रहा है इसमें भी। ये भी सर्विस के लिए, ये सर्विस इसको भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाओ अपने गाड़ी के पास में। अभी ब्रेक डिस्क खुलवा रखा है, ठीक है, एक मिनट होल्ड करो जरा यार, वीडियो भी बनाने दो यार मुझे। तो ये ऑयल का प्रोसेस हो गया, अभी ऑयल फिल्टर लगाते हैं। तो ये ऑयल फिल्टर है, ठीक है, तो ये होंडा का ऑयल फिल्टर, जेन्युइन ऑयल फिल्टर लेके आया मैं। देख सकते हैं होंडा इस पे भी लिखा हुआ है, ओरिजिनल फिल्टर है, तभी इसको फिट करेंगे। पूरी गाड़ी देख लो, बखेर रखी है, खोल रखी है, यही है होंडा अमेज, ठीक है, होंडा सिटी आईडी टेक होंडा अमेज इधर है यार सर्विस के लिए। आज तो शनिवार संडे को तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है यार, इतनी गाड़ियां सर्विस के लिए आ जाती हैं यार। ये देखो, ये इसका भी इंजन उतार रहे हैं अभी, पीछे भी मतलब बतेरा है यार काम की, तो जानते ही हो कितना जबरदस्त। तो यही है, अभी स्टेप बाय स्टेप फिट करते हैं। अभी ऑयल फिल्टर का नंबर है, तो ये देख सकते हैं यहाँ लोकेशन होता है इसका, एक्सल के नीचे खोल, ये है ऑयल फिल्टर का लोकेशन। तो ये देख सकते हैं ऑयल फिल्टर मैंने चेंज कर दी, गियर ऑयल ये डालने वाले हैं, 80W90 मोबिल का ही है, देख सकते हैं ये गियर ऑयल यूज करने वाले हैं, और गियर ऑयल डलेगा यहाँ से, ये देख सकते हैं खोल रखा है मैंने ऑलरेडी, तो यहाँ से गियर ऑयल डलेगा। ये तो ढक्कन देगा, थोड़ा है, अरे कौन यार हथौड़े का नाम ले रहा है इधर यार, नहीं यार हथौड़ा दे यार, ये देखना होता है, ध्यान देना होता है, इन्हीं गपा गप ओढ़ते ही जाना सारे। अभी पता है क्या है, अभी इससे गियर ऑयल डालेंगे, तो इस वाले को हमने सीधा अंदर ले लेना वहीं जहाँ डलेगा, दिखा रहे हैं, पब्लिक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो देखो ठीक है। तो अभी स्लोली जाएगा थोड़ा सा, क्या कह सकते हैं। अभी गियर ऑयल फाइनल हो गया, ठीक है, सर्विसिंग क्या है, टाइम लेती है सर्विसिंग में, इसमें तो को अलग मेजर सर्विस है, सारे कुछ ब्रेक्स रेक लाइट पाइट सारे A to Z, रेडिएटर इंटरकूलर सारा ही करना पड़ रहा है कंप्लीट, और सब खराबी निकल रहे हैं।
तो इसे चेंज करना पड़ रहा है। ये कंप्लीट सर्विस होती है। गैस दियो जरा, हटा। अब तो नया हो गया तो पता ही ना पड़ रही है बिल्कुल। ठीक, तो अभी इंटरकूलर भी मैंने देख सकते हैं क्लीन करना होगा इंटरकूलर भी। तो इंटरकूलर में चूंकि ऑयल आ जाता है यार, कोई पन्नी दे जरा, नहीं तो लोग कहेंगे जमीन पे आप वो कर रहे हो। देखें कितना ऑयल निकल रहा है। पन्नी लिया का ऑयल के कनस्तरी में डाल। चल कोई बात ना, यही है कि इतना साफ हो जाएगा ना, बढ़िया हो जाएगी। हल्की फुल्की जो ब्लैक मारेगी ना, स्मोक स्मोक उससे वो भी सही रहेगा। तो ये इंटरकूलर में क्लीन करा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं रेडिएटर मैंने अभी क्लीन कराए हैं अंदर से बिल्कुल चकाचक, और इधर से ठीक है। ये ज़्यादा डस्ट हो गए थे और गर्मी आने वाला है तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रेडिएटर को भी क्लीन करा दिया। अभी मैं फिट कर रहा हूँ इसे, तो अभी रेडिएटर फिट करा दिए, इधर से इंटरकूलर फिट करा दिए। देख सकते हैं आप क्लीन करके, बढ़िया। इंटरकूलर भी क्लीनिंग ज़रूरी था, ये क्लीन करके वो देखो, ठीक है ये हो गया। अभी कूलेंट डालेंगे, देखो अंदर से इसको क्लीनिंग कराई है यार, बहुत कचरा निकला था इसमें। अब बता भी रहे थे हल्की हीटिंग की प्रॉब्लम सी आ रही है, तो इसलिए बहुत भरा हुआ था नालियाँ। अभी कूलेंट डाल देंगे। अभी ये रेडिएटर में ये यूज करने वाले हैं ब्लू कलर का रेडिएटर कूलेंट डेल्फी का, एक ये रहा। तो डाल जल्दी डाल, आधा लीटर पहले इसमें डाल, बाकी सब इसमें डलेगा। ये देखो ये कूलेंट होता है, ये ब्लू कलर का होता है, अरे यही डलेगा। बस 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 कर बस कर, अब इसमें डाल रेडिएटर में, इसका पाइप लगा दो। अब एक डब्बा तो इसमें और इसमें डल गया। ओए बोलिया, डिस्टिल वाटर ले गया, चल पकड़ इधर इधर इसी में ले गया। डालना है डिस्टिल वाटर, डालना है कोई भी पानी नहीं डाल देना, समरसेबिल का चाहे नल वल का कुछ भी। डिस्टिल वाटर डालो, बैटरी वाटर डालो, पीने वाला पानी औरों का डालो, ठीक है। मैक्सिमम लेवल पूरा हो गया, ये वाला हो गया। अभी स्टार्ट के बाद से ढक्कन लगाना, इसका ढक्कन ले गया। अभी एयर फिल्टर को धो बढ़िया करके, चल। तो अभी एयर फिल्टर हाउसिंग को मैंने साफ कर दिया बढ़िया करके, धुलवा ही दिया, और इसे ऊपर वाले हाउसिंग को इसको धुलवा दिया, ठीक है एयर फिल्टर का। अभी न्यू एयर फिल्टर जेन्युइन होंडा, आप देख सकते हैं ये निशानियाँ होती हैं कुछ। तो अपना एयर फिल्टर फिट हो गया, ठीक है, और उसके बाद से ये लगा, चल। एयर मास सेंसर का तार लग गया। तो अभी इंजन ऑयल डल गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, कूलेंट हो गया, गियर ऑयल हो गया, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं बेल्ट निकाला है, बेल्ट खराब हो रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो इतना आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस बेल्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ कम्प्लीटली। ये लेके आया होंडा का ओरिजिनल बेल्ट, जेन्युइन, देख सकते हैं ये थाईलैंड का है। ये सब बेल्ट वेल्ट तो जो भी है, ये सब रनिंग आइटम तो भाई अच्छा क्वालिटी का ही डालें तो ज़्यादा फायदा रहता है। अभी सारे गरारी घुमा के हमें चेक करना है कि फ्री है, कोई आवाज़ तो नहीं कर रही है सारे गरारियाँ। तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम तो बहुत लगता है सर्विस में। इसका एडजस्टर चेक करना पड़ेगा, जो एडजस्टर है, एडजस्टर का जो सोकर है वो भी चेक करना पड़ेगा। टाइम तो बहुत लगता है सर्विस करने में, पर वीडियो तो भाई काट काट के ही दिखानी पड़ती है ना, जानते ही हो, सब कुछ तो प्रॉपर दिखाने में। अब इसकी बैरिंग बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब ये भी फ्री अंदर का होना चाहिए, ये भी फ्री है बिल्कुल। इसके ग्रिप चेक करने पड़ेंगे, ग्रिप कटे तो ना, ये जो ग्रिप है ये भी चेक करना पड़ेगा कि कटा तो नहीं है। और ऊपर के सारे गरारी मैं अभी चेक करूँगा सब टोटल, तब जाके बेल्ट लगाऊँगा, ठीक है। तो अभी दोबारा से बैटरी का पानी चेक करना पड़ेगा, हाइड्रोमीटर लेके। अभी बैटरी में पानी की कमी है, ग्रेविटी क्या है, बैटरी खराब तो नहीं है, ये सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। पब्लिक को दिखा पहले, पानी की कमी तो नहीं है किसी में। ऐसे खड़ा लेके जाएगा ना ऐसे करके,
तो पानी तो प्रॉपर है, अभी ग्रेविटी चेक करते पकड़। साढ़े बारह सौ है। ऐसे सारे में ग्रेविटी चेक करना पड़ेगा। ये देखो ग्रीन पे है, बिल्कुल ओके है। तभी ये ओके हो गया। अभी बैटरी का जो जो कार्बन है ना वो सब हट जाएगा सारा। हटाओ, पकड़ो। अभी गाड़ी धुलेगी, उसके बाद से इस पे ग्रीस लगेगा। हमने बैटरी का यहाँ से कंप्लीट कर ली। अभी वाइपर और लाइट रह गया। अभी वाइपर में पहले पानी डाल लेते हैं, ठीक है। बस तो अभी पानी चला, दोनों पानी ठीक है, बस भर रहने दे। लेकिन वाइपर सही साफ नहीं कर रहा है। बहुत सारी अभी लाइनें रह रही हैं, देख सकते हैं आप। ये तो इसको न्यू मिरर चेंज करना पड़ रहा है। दोनों मिंडा का ही डाल देते हैं, स्पार्क मिंडा 22 नंबर और 16 नंबर इसमें डलेगा। वाइपर ब्लेड और चौड़ा ब्लेड है, देख सकते हैं यही है। और इस पे भी लिखा हुआ होता है कभी पार्ट लें तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। ब्रांडेड का मतलब होता है कि उसका भी ब्रांड होना भी चाहिए उस पे। ऑन कर दिया, ये ऐसे निकलेगा। ये देख रहे हो ना लोग, इसको दबाना पड़ेगा ऐसे ऐसे निकाल के, और फिर उसके बाद से नीचे खींचने ला, फिर वापसी रिटर्न। ये हो गया नया, ये पुराना। ये नया को फिर ऐसे हमने ऐसे डालना है और ऐसे उठा देना ऊपर, और उसके बाद से ये लॉक लग गया। ये अपना हो गया, और इसका ये ठीक है। ये हो गया वाइपर ब्लेड, ये इधर वाला। अब इधर का जाओ, बस ये हो गया वाइपर ब्लेड। अभी इसका ये वाला सिस्टम खींच के फेंक दो, वाइपर हो गया। है बढ़िया, चल अब बिल्कुल प्योर बेहतरीन साफ कर रहा है, अब टेंशन नहीं। ये चारों इंडिकेटर हमें चेक करना पड़ेगा, लाइटें फोक चेक करना पड़ेगा, फोकस। ये वाली हेडलाइट डीपर मार जरा, हाँ ठीक है मार, ठीक है। हेडलाइट बंद कर का। ये वाली लाइट में कहीं से लीकेज है जो कि पानी आ रहा है, ठीक है। हाँ जला, हेडलाइट जला, ठीक है। डीपर मार, हाँ ठीक है। चलो इंडिकेटर छोड़, ब्रेक मार छोड़, चल चारों इंडिकेटर बंद कर, ठीक है। हेडलाइट जला जरा, ब्रेक छोड़, हेडलाइट जला, हाँ ठीक है। और बैक गियर लगा, बैक गियर लग गया, बैक गियर ओके है, ठीक है। बैक गियर न्यूट्रल कर दे, हेडलाइट जला बस, हाँ हेडलाइट के। ये वाला बैकलाइट का एक बल्ब खराब है, पिन बल्ब, ये मैं इसे चेंज कर दूंगा। चलो तीन पिन बल्ब चेंज करो। अभी इसके रूफ लैंप चेक करने पड़ेंगे पार्किंग जला के। जैसे पार्किंग हमने जला दी तो अभी जले नहीं है ना, ये भी बंद है और ये भी बंद है, ठीक है। लेकिन जैसे गेट खोलेंगे ये भी जल गया, ये भी जल गया, ठीक है। ये देखो डीम हो गया, गेट बंद करते ही खोले बढ़ गया, बंद किया डीम हो गया। एक बार की ऑफ हो रहा है कि नहीं, लाइटें ऑफ हो रही हैं, ठीक है, ऑन हो रही हैं, यानी ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन का सिस्टम। ये भी बढ़िया है, ये ओके है, ठीक है। इसको ये ना ना, ठीक है, ये बढ़िया काम कर रहा है। ये देखो ठीक है। अभी इसको ये भी बढ़िया, डोर का सारे बंद करके डोर चेक करने पड़ते हैं, सारे विंडो चेक करनी पड़ती है, सारे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी इसको परफेक्ट तरीके से। ठीक है ओके है, ठीक है।
लॉकिंग सेंटर लॉकिंग का चेक करना पड़ेगा एक बार। ओए चारों दरवाजे चेक कर, लॉक हुआ कि नहीं? लॉक हुआ है। चारों दरवाजे वो लॉक है ना? ठीक है, ये अब देख सारे अंदर से खोल के देखना पड़ेगा सारे खुल रहे कि नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, सारे विंडो एक एक करके चेक कर, सारे विंडो को सही काम कर रहा कि नहीं। ये देखो इसमें कमी है, हाँ रियर राइट में तो ये कमी है। ठीक है, सारी लाइटें ये देखो कितनी चल चुकी है, 1,263,000। ठीक है, उसके बाद से हॉर्न, इसके एक हॉर्न इसमें काम नहीं कर रहा है तो उस हॉर्न को चेक करना पड़ेगा। अब ये स्टीरियो का ये भी बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, और एक हॉर्न गड़बड़ कर रहा है, हॉर्न को करना पड़ेगा। एक ये गड़बड़ कर रहा है, इसे करना पड़ेगा ये चीज। अब ये ठीक है, दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ये प्रॉपर ये भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहा है जो भी पकड़। हाँ ठीक है भैरी, ये भी वायरिंग ठीक है। ब्रेक शू फिट कर रहा है इसके, रियर ब्रेक शू, और देख सकते हैं यही मैंने ब्रेक शू मंगाए हैं, जेन्युइन ब्रेक शू है ये। ठीक है, होंडा टीवीएस यूज करती है, देख सकते हैं ये रहा पूरा। ये भी कराई है फेस, ये भी कराया है फेस, और ये डिस्को ही फेस कराया है एक तरफ से ना दोनों तरफ से, देख सकते हैं, ताकि इस पे ब्रेक शू बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे। देख रहे हैं ना ये चूड़ी कैसे खराब हो गई थी, तभी इस बोल्ट को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं न्यू ले गया ओरिजिनल बोल्ट, तो इसे मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो ये डिस्क फेस करवा दिया हमने, टर्न करवा दी बढ़िया करके, और इसको लगा। अभी क्या है, ब्रेक पकड़ करेंगे, पेच लगाओ साइड के। अभी डिस्पैड इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं डिस्पैड का ये वाला जो लेदर होता है इसका थिकनेस देख सकते हैं कितना कम है, और ये लास्ट चल रहा था तो एल में लेके आ। ये देखो ये वाला ब्रेक डिस बढ़िया चलते हैं, इसमें आवाज़ नहीं करता है, रिस्पॉन्स है डैन ब्लॉक का है, डैन ब्लॉक देख सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है, नहीं तो वो 3,000 का खाली वो होंडा का है, ये बढ़िया चलते हैं। कहाँ क्या होंडा का डालना है क्या नहीं डालना वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती, 3,000 का है होंडा का, ये कम का है 800, बढ़िया है ये वाला, इसका रिस्पॉन्स बढ़िया है भाई। ये दोनों को ऐसे रखो, अभी आप देखो इसका लेदर कितना है, इसका लेदर कितना है, यानी मान लो बिल्कुल ही लास्ट चरम सीमा पे था ये, कभी भी फेल हो सकता था, लेकिन अभी ये ज़्यादा है। ठीक है, तभी मैं इसको न्यू को डलवा रहा हूँ, और फेस करा के ये देख सकते हैं इस पर ये जो है ना इसको टर्न कराया ताकि ब्रेक अच्छे से पकड़ करे। अब जब भी लगा लें टाइट कर लें, कैलिवर टाइट कर लें तो घुमा के देखें एक बार, कोई घूम बढ़िया घूम तो नहीं रहा, कहीं फंस तो नहीं रहा, ये ठीक है। चल डिस्पैड डाल, अभी हमने दोनों ब्रेक पैड इसके डिस्पैड फिट कर दिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसे हमें फ्री करना पड़ेगा जरूर हर हाल में, तो जो ऑयल वाला ग्रीस होता है ना इंजन ऑयल वाला जो मिक्स ज़्यादा इंजन ऑयल मिक्स वाला वो ग्रीस लगाना पड़ता है, उसकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई। अभी क्या है थोड़ा सा दे कपड़ा दे दे, और इसमें होता है चूंकि यहाँ रबड़, ये रबड़ होता है वो मिलेगा होंडा का ओरिजिनल, ये पिन लेंगे, अभी पिन तो आवाज कर नहीं रही है तो उसमें ओरिजिनल में मिलता है ये रबड़, बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है,
ये वो वाला ग्रीस है भाई, ज्यादा ऑयल वाला, कभी आप दूसरा ग्रीस समझ जाओ। ये फ्री होना चाहिए, इसका सेंटर किधर है रे? ब्रेक पैड लगा दिए हमने, घुमा के चेक करना कहीं किर की कोई साउंड तो नहीं आ रही है। अभी ब्रेक मजा आ जाएगा, जहां मार दिया वहीं घसते नहीं, रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस चलेगा उधर वाले टायर में। वीडियो लंबा हो जाएगा इस चीज का ध्यान रखते हुए, उधर का प्रोसेस कैंसिल, अभी इधर का कंप्लीट। तो अभी इसमें ये होंडा का देख सकते हैं ब्रेक ऑयल .3 ये डालने वाला हूं मैं, इतना होना चाहिए लेवल में। ठीक है, अभी आ गया, वाइट है चूंकि दिखेगा नहीं बहुत ज्यादा, तो अभी इसको लगा देते हैं कवर को। ठीक है, ये हो गया। तो अभी है इंटीरियर इंजन का, तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, A to Z जितना होना चाहिए प्रोसेस उतना कंप्लीट हो गया। अभी बेल्ट चेंज कर दिया हमने, जो स्टार्टिंग में आवाज थी शायद आपको नहीं दिखाया था, मैं बहुत चीची की आवाज थी, उस आवाज को देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, पुश बटन स्टार्ट है, ठीक है, ये बढ़िया है। सारे गियर लगा के देखेंगे, कोई गियर आवाज तो नहीं कर रहा है। गियर देख सकते हैं, बैक गियर सही लग रहा है, रिवर्स गियर में सही है। अभी एसी का देख लेते हैं, ठीक है, एसी ऑन कर दो। ये ऑटो है चूंकि, पंखे का स्पीड ये सही काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, स्पीड लो है उसके बावजूद हमने मैन्युअली एडजस्ट किया, इसको सही काम कर रहा है। अभी फ्रंट, ठीक है, फ्रंट भी, रियर ये कितनी चल चुकी है, 85,000 पे काम किया था मैंने, और 1,200,000 किलोमीटर ये मतलब मान लो यानी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। इसका ये तीसरा सर्विस मैं कर रहा हूँ, 5,000-5,000 पे सर्विस करता हूँ मैं, और बढ़िया चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो सर्विस किया है ये 20,000 वाली सर्विस है, मेजर सर्विस, तो ये सर्विस किया मैंने। गाड़ी बढ़िया एक्यूरेट है, स्टार्टिंग आपने देखा ही, आज भी छूते ही स्टार्ट हो रही है गाड़ी जैसा हमने करके दिया था, और यार आरपीएम मीटर भी सही किया था, तो आरपीएम मीटर भी देख सकते हैं 0 पे ही है, उसमें आरपीएम मीटर भी सही किया था ना मैंने, ये देखो जहाँ रखा था वहीं एक बार में काम किया, बिल्कुल टेंशन फ्री। आरपीएम मीटर भी खराब हो गया था, अभी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी का बहुत तगड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने रिसॉल्व करा था, अभी मेरे पास ही तीसरी सर्विस हो रही है। किलोमीटर देख सकते हैं 18-20 किलोमीटर के करीब मैं गाड़ी चला के टेस्ट भी करना पड़ा मुझे, कोई दिक्कत परेशानी, ब्रेक व्रेक कैसे हैं कैसे नहीं, किलोमीटर आप देख लो 281, अभी कोई दिक्कत नहीं है, साउंडलेस है गाड़ी, ब्रेक बढ़िया टकाटक सब कुछ ओके। अभी गाड़ी को धुलवाएंगे, धुलाई का काम चल रहा है, और अभी प्रोसेस चल रहा है अंदर से इंटीरियर सफाई सफाई का। और यार ये मस्ती मेहनत करो यार, यार वीडियो बनाते हैं आज मुझे, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, साफ करने तो मैं उनका वीडियो नहीं दिखाऊंगा, और बताओ वीडियो मत दिखाना। अब सारी गाड़ी को क्लीनिंग हो रही है अंदर से बाहर से बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, अभी मिलते हैं। ना ना मिला मत, तुम्हारे तो दिखाएंगे नहीं। गाड़ी साफ कराओ, पूरी गाड़ी साफ कराओ फटाफट। अभी इंजन की धुलाई कर दी क्योंकि पूरी गाड़ी धुल गई है, अभी इंजन पे एयर मार दिया, सारे डस्ट निकल गए, अभी इंजन का पॉलिश लगेगा। तो अभी पॉलिश लग गया इंजन की पॉलिश, ठीक है, अभी पॉलिश को उठावेंगे, अभी फाइनल चल रही है इसका पॉलिश, इंजन की पॉलिश उठाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी गाड़ी कंप्लीट हो गई, और मेजर सर्विस में 2 दिन का टाइम कम से कम लगता है, तब जाके सही से पूरे पार्ट चेक हो पाते हैं A to Z, जैसा हमने जर्नली इसको टेस्ट किया, A to Z टेस्टिंग करी, और इसका सारा लेबर चार्ज सिर्फ 1,000 करके है, सिर्फ लेबर चार्ज, सामान वन तो अलग है। और ऐसे में इस
कंडीशन में सर्विस करने में 7-8 हज़ार से ऊपर टप जाता है। तो अभी कंप्लीट सर्विस हो गई, अभी बॉडी की क्लीनिंग चल रही है, ठीक है। तो अभी हमने पॉलिश भी यूज किया है सीबा कंपनी का, अभी बैटरी कोटेड, इसके लिए टर्मिनल पे रस्ट ना लगे उसके लिए मुझे वो इस पे स्प्रे करना पड़ेगा जो जेल टाइप की होती है, तो ठीक है। ठीक है सर। अभी ये है कि अब डस्ट नहीं लगेगा, ये बैटरी का हो गया। अभी क्या है, इसके लोक पे सारे पे लोकों पे ग्रीस लगेगा, सारे लोक पे। तो अभी ग्रीस के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, ग्रीस वाला। अरे वो तो पाइप आओगे यार, पाइप ये जेल टाइप का है, ग्रीस का ही काम करता है ये ग्रीस। ऐसा है लोकों में आसानी से अंदर तक पहुंच जाता है, तो ये सारे दरवाजों पे हमें ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। इधर उधर फालतू के हो गई सारी। तो भाई दिखाने का पर्पज यही है कि एक सर्विस, मेजर सर्विस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किस चीज का बदलना जरूरी है और कौन कौन से पार्ट जेन्युइन होने चाहिए, इन सारी चीजों को मैंने आपको बताया। तो यही था हमारी एक सर्विस छोटी सी, और कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी, चलाया भी है मैंने 18-20 किलोमीटर चला के, सारे चीज टेस्ट किया, सब चीज बिल्कुल ओके है। तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, आपने इतना समय दिया, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगे तो आपके हाथ में लाइक और सब्सक्राइब करना।